सिरमौर जिला में हाल में हुई बारिश से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक जिला में 255 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। जिला मुख्यालय नाहन में आज डीसी सिरमौर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिला भर में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए डीसी ने बताया कि सिरमौर जिला में अभी तक बारिश से 255 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लगातार नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को 114 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जबकि एनएच प्रबंधन को 4 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। सड़कों की बहाली का कार्य लगातार जारी है और अभी भी करीब 35 सड़कें जिला में यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं आने जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे सिरमौर जिले में भी जो भारी बारिश का दौर था वो भी चलता रहा, और इसके तहत हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, खासकर हमारे जो रोड्स, ब्रिजेस और ये पानी का और बिजली का, इससे इनमें सभी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो आवश्यक सेवाओं के बहाल करने के लिए प्रशासन ने और सभी विभागों ने अपनी तरफ से पूरा प्रोएक्टिवली काम किया है, और सभी की कोशिश रही है कि उनको तुरंत रिस्टोर किया जाए। और रेवेन्यू की तरफ से भी जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का था वो भी चल रहा है। हमारे जो रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स हैं लोकल लेवल पे, उनकी भी कोशिश है कि वो हर जगह विज़िट कर रहे हैं, जहाँ भी लोगों को कच्चे घर, पक्के घर या काउ शेड्स या कैटल, सभी का डैमेज जहाँ जहाँ भी रिपोर्टेड है वहाँ उनकी कोशिश है कि हर जगह जा रहे हैं। तो हमारे जो SDMs हैं और तहसीलदार्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं, वो भी फील्ड में विज़िट कर रहे हैं। तो जो क्यूमुलेटिव लॉस इसमें आया है तकरीबन 255 करोड़ के आसपास आंका गया है एज ऑन डेट। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है PWD का तकरीबन 114 करोड़ के आसपास, और जो नेशनल हाईवे हैं उनका तकरीबन 4 करोड़ के आसपास। तो उनकी जो मेरी अभी SC साहब से बात हुई है, तो उनकी टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिस्टोर उन्होंने रोड्स कर दिए हैं। अभी सिर्फ उनके 35 रोड्स बचते हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और नेशनल हाईवेज हैं वो ऑपरेशनल हैं, इंक्लूडिंग कच्चा ढांक। रिस्टोरेशन का काम जो इनका चला हुआ है डैमेजेस का, वो इन्होंने तकरीबन रिस्टोर कर दी है। जो नाहन वाली स्कीम है उस पर ये अभी लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टर्बिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। ज़िला प्रशासन जो है वो प्रयासरत है कि लोगों को राहत मिले, और कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस और बिजली और पानी, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारी फील्ड में भी सारी जितनी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं, और हम लोग भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन और रिस्टोरेशन का जो हमारा कार्यक्रम है वो सफल रहे। डीसी ने कहा कि अधिकारी लगातार बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।